अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन का है, उसका दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग दो चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और पिछले लेक्चर में ये कहा था कि ये जब दो फोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे तो पिछले लेक्चर के शुरू में जो दो हमने एग्जांपल्स ली थी वो बकेट वाली, कि बकेट से पानी क्यों नहीं गिर रहा, और सर्कल के अंदर जब गाड़ी टर्न करती है तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम पे लग रही होती हैं कि हम जो है आउटसाइड जा रहे होते हैं, गाड़ी सेंटर की तरफ जा रही होती है और हम सेंटर से जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में जो निकल रहे होते हैं। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, ये जो दो चीज़ें हैं, ये पढ़ने के बाद जो है वो भी क्लियर हो जाएगा और उस पर भी जो है वो हम लोग बात करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और इसी लेक्चर के अंदर, मतलब इस लेक्चर के साथ जो है वो हमारा जो इस चैप्टर का आधा पोर्शन है जो कि सर्कुलर मोशन पे मुश्तमिल है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगले लेक्चर से जो है वो हम लोग ग्रेविटेशन वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो के जो टॉपिक्स हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को काफ़ी डिटेल के अंदर जो है डिस्कस किया था। काफ़ी सारी चीज़ें थी कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है कॉन्टीन्यूसली डायरेक्शन की वजह से। और उस वेलोसिटी के चेंज की वजह से जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है, जो कि डायरेक्शन की चेंज की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। और उसी एक्सेलरेशन को जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ जो है वो आ रही होती है। ये भी हमने पीछे लेक्चर में जो है वो देख लिया था। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन कहीं भी प्रोड्यूस होती है तो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ के अंदर ये पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब ये कि अगर कहीं पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी जो वजह होगी या उसकी जो कॉज होगी वो फोर्स होगी। मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स लाजमी होगी जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही होगी। तो इस केस के अंदर जो ये फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस पर जो है वो मज़ीद डिटेल से बात भी करेंगे और इसका जो है वो फार्मूला भी एक बनाएंगे हम लोग, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बनाया था। तो डेफिनेशन के मुताबिक द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पैथ ऑन विच द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपकी गाइड के अंदर लिखी हुई बुक। और सेंट्रीपिटल फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द फोर्स विच होल्ड्स द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल और विच होल्ड द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर ये भी हो सकती है कि द फोर्स विच होल्ड्स और मेक्स द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे सर्कल के अंदर या उसको घुमाए सर्कल के अंदर। सेम उसी तरह जिस तरह हमने फ्रिक्शन के टॉपिक पर पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स कहलाएगी जो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर रुकावट बने या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स भी अलग से कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करने पर मजबूर करे या सर्कल के अंदर मूव करने के लिए उसको पकड़ा हुआ हो, या वही ऑब्जेक्ट जो है या वही जो फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल हो सर्कुलर मोशन करवाने के लिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हर केस के अंदर अलग अलग होगी। हम लोग जो है वो तीन एग्जांपल्स इसकी देखते हैं और तीन एग्जांपल्स के बाद जो है ये आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स हर केस के अंदर जो है वो अलग होती है और ये कोई मतलब एक मखसूस फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाए। अच्छा, गाइड वाली डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि वो फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रही होती है
और इसकी डायरेक्शन भी चूँकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ थी, तो इसकी डायरेक्शन भी जो सर्कल के सेंटर की तरफ जो है वो होती है। और ये ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसी लग रही होती है, सेंटर की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होती है, मतलब ऑब्जेक्ट पे यूँ लग रही होती है। अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पैथ ऑन विच द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जी तो अब चलते हैं इसकी पहली एग्जाम्पल के ऊपर, और इसके बाद जो है वो हमें सही से समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या है। तो एग्जाम्पल के मुताबिक, अ बॉल ऑफ मास एम इज़ अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, द बॉल इज रिडल्ड बाय मूविंग द हैंड। मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल है जिसका मास एम है, उसको हमने धागे के एक एंड के साथ बांधा है और उसको रिल कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं या पकड़ा हुआ उसको, और उसको रिल कर रहे हैं मूविंग हैंड के साथ ही, मतलब उसको घुमा रहे हैं हम लोग, वाइल होल्डिंग द अदर एंड इन अ सर्कल इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे ये सामने नज़र आ रहा है आपको कि हमने एक बॉल को या एक पत्थर को या किसी चीज़ को धागे के एक एंड के साथ बांधा हुआ है, और दूसरा एंड जो है वो हमारे हाथ में है और हम उसको घुमा रहे हैं सर्कल के अंदर। अब इन ऑर्डर टू कीप द बॉल ट्रेवलिंग इन अ सर्कल, वी हैव टू अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो बॉल है, ये जो ये पत्थर है, ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल के अंदर घूमता रहे, तो हमें उसके ऊपर कॉन्टीन्यूसली सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी पड़ेगी। और वो कहाँ से लग रही होगी, हमारे हाथ से, मतलब हमने उसको होल्ड किया हुआ होगा, और उस हमें हमने जैसे होल्ड किया हुआ ना उसको और उसको घुमा रहे हैं, तो उस जो स्ट्रिंग है, हमने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, या हाँ 4 के अंदर पढ़ा था कि जब भी किसी धागे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव आता है तो उसके अंदर टेंशन की फोर्स जो है प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग उसको घुमा रहे हैं तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन की फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी हमारे पकड़ने की वजह से, हमारे हाथ की वजह से, और ये जो टेंशन की फोर्स होगी यही इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि अ फोर्स दैट होल्ड ऑब्जेक्ट्स टू मूव इन अ सर्कल। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो सर्कल के अंदर उस ऑब्जेक्ट को घुमा रही है, वो टेंशन की फोर्स है जो कि हमारे हाथ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये कि हमने होल्ड किया हुआ उसको धागे को, और हमारे होल्ड करने की वजह से वो स्ट्रेच हो रहा है और घुमा रहे हैं उसको हम लोग, और उसके अंदर टेंशन की फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगी, सेंटर हमारा हाथ है, तो ये टेंशन की फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब आप खुद देखें कि अगर हम उस चलती हुई या उस घूमती हुई चीज़ को जो हम लोग घुमा रहे हैं उसको छोड़ दें, या मतलब उसको उस धागे को जो है वो छोड़ दें, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हम लोग लगाना छोड़ दें, या स्ट्रिंग जो है वो के अंदर जो टेंशन हो रही है वो ख़त्म हो जाए, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कल के अंदर? नहीं, बल्कि वो टेंजेंशियली जो है वो मूव कर जाएगा टू द सर्कल। मतलब टेंजेंशियली टू द सर्कल बनाते हुए जो है जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो वो जो है इस तरह से मूव कर जाएगा। तो ये इसकी पहली एग्जांपल थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। दूसरी एग्जांपल जो हमने वाली देखी थी कार की, कि कार जब चुरंगी के गिर्द घूम रही होती है या मतलब टर्न करती है, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो उस कार को सेंटर के अंदर घूमने पे मजबूर करती है, सेंटर के अंदर जो है वो घुमा रही होती है। मतलब ये कि अगर उस फोर्स को निकाल दें तो कार जो है वो सेंटर के अंदर मूव ही ना कर पाए, सर्कल के अंदर मूव ही ना कर पाए, तो ऐसी कौन सी फोर्स है? तो उस केस के अंदर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है टायर और रोड के दरमियान। अगर हम रोड में से या टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो ख़त्म कर दें, तो क्या जो गाड़ी है वो सर्कल के अंदर मूव कर पाएगी? नहीं। ये दूसरी एग्जांपल है। इसकी वर्डिंग क्या है कि कंसीडर अनदर एग्जांपल विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द सर्कुलर मोशन। We observe that when a car moves along a round track, the force of friction between the tires and the road provides the necessary centripetal force and keep the car on the curved path. मतलब ये कि यही जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो टायर और रोड के दरमियान जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वही उसको सर्कल के अंदर जो है वो होल्ड करके रखी हुई होती है। अगर फ्रिक्शन की फोर्स निकाल दें तो जो ऑब्जेक्ट है या जो कार है वो सर्कल के अंदर मूव नहीं कर पाएगी। तो इस केस के अंदर कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स हुई? इस केस के अंदर जो फ्रिक्शन की फोर्स है जो टायर और रोड के दरमियान है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी।
तो ये हर केस के अंदर चेंज होती है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एक और एग्जांपल ये है कि इन द केस ऑफ मोशन ऑफ मून राउंड द अर्थ सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द मून। अब अगर हम मून की मोशन को देखें जो कि अर्थ के गियर जो है वो रोटेट करता है या ऑर्बिट करता है, तो इस केस के अंदर कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने मून को पकड़ के रखा हुआ है और मून को जाने नहीं दे रहा? तो इस केस के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जो ग्रेविटी की फोर्स होगी वो जो क्या बोलते हैं इस केस के अंदर जो है सेंट्रिपेटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही होगी, ये सेंट्रिपेटल फोर्स होगी वही। इसी तरह हमारी जो सैटेलाइट हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट मून जो कि नेचुरल सैटेलाइट है, और इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जो हमने भेजी हुई हैं जो कि अर्थ के गिर रिवॉल्व कर रही हैं और हमें लाइफ चीज़ें वगैरह जो हैं वो नज़र आती हैं और सिग्नल्स वगैरह जो हैं उससे हमारे मोबाइल वगैरह चलते हैं, तो इन सैटेलाइट्स के ऊपर ये मतलब ये कैसे मूव कर रही हैं सर्कल के अंदर? हमने तो ये पढ़ा ना कि भाई जो भी चीज़ सर्कल के अंदर मूव करती है तो लाजमी तौर पर कोई ना कोई फोर्स होगी जो कि उनको उसको सर्कल के अंदर घुमा रही होगी, और वही फोर्स जो है वो सेंट्रिपेटल फोर्स कहलाती है। तो इस केस के अंदर जो है सेंट्रिपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इन तीन एग्जांपल से हमें पता क्या लगा कि जो सेंट्रिपेटल फोर्स होती है वो अलग से किसी फोर्स का नाम नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स कहलाएगी जो कि सर्कल के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रही हो। तो ये सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसकी डेरिवेशन के ऊपर। डेरिवेशन छोटी सी है, इसका फॉर्मूला बनाना है बेसिकली, जो कि हमने एक्सेलरेशन को तो बना लिया है, अब उसी को यूज़ करते हुए जो है हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे जो कि दो लाइनों का है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। और डेरिवेशन ये है कि हमने न्यूटन का जो सेकंड लॉ पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और उस न्यूटन के लॉ से हमने जो है एक फोर्स का फार्मूला बनाया था जो कि किसके इक्वल था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे इस केस के अंदर जो हमारी फोर्स है वो सेंट्रिपेटल फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, मास जो है वो सेम रहेगा। तो एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी, मतलब जो हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सेंट्रिपेटल फोर्स है ना, और जो एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज़ होगी वो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन यूज़ होगी क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हमने जो पीछे सर्कुलर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला निकाला था अगर वो इस वाली इक्वेशन के अंदर डालें, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर वन के अंदर डालें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यही जो है वो फार्मूला है सेंट्रिपेटल फोर्स कैलकुलेट करने का, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इसका फार्मूला था जो कि हमने निकाला, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रिपेटल फोर्स निकालने का फार्मूला है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन के बाद जो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करते हैं और उन दो एग्जांपल्स को भी जो डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, द फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज़ एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। अब न्यूटन का जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था कि जब भी कोई एक्शन किया जाता है उसका रिएक्शन होता है बिल्कुल इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के अंदर और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, और इसकी एग्जांपल्स हमने काफ़ी सारी देखी भी थी फोर्सेस के लिहाज से कि टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, अपर डायरेक्शन में रिएक्शन की फोर्स आएगी तब जब उसकी वेट की फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगी, मतलब उसकी वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और उसके रिएक्शन में जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तभी वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अब अगर इस वाली एग्जांपल को, स्टोन वाली एग्जांपल को हम लोग देखें कि हमने एक एंड जो है वो पकड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो है वो आगे स्टोन या जो है वो बॉल बांधी हुई है और उसको घुमा रहे। अब सेंट्रिपेटल फोर्स हमने ये पढ़ी कि वो जो है सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है, मतलब ये कि फोर्स लग रही है उसको सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो सेंटर की तरफ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स जो है वो भी लग रही होगी हमारी सेंट्रिपेटल फोर्स की वजह से, जो कि क्या कौन सी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड टू द सेंटर होती है, मतलब ये कि सर्कल से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो ये लग रही होती है या फिर सेंट्रिपेटल फोर्स के जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो ये लग रही होती है सेंट्रिपेटल फोर्स। एग्जांपल्स क्या हैं इसकी, व्हेन अ स्टोन इज़ अटैच्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग
टू कीप दी स्टोन इन द सर्कुलर मोशन एक्टिंग फोर्स पुल्स इट इनवर्ड अलॉन्ग द स्ट्रिंग। ये जैसे हमने भी पीछे डिस्कस भी किया कि जो स्टोन है उसके ऊपर जो है सेंट्रिपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रही होती है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इफ स्टोन रिएक्ट्स एंड एग्जर्ट्स एन इक्वल फोर्स आउटवर्ड ऑन द आउटवर्ड फोर्स ऑन द हैंड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ को याद करें तो वो हमें ये बताता था कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हम जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहे हैं वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ पे कोई ऐसी एक्सटर्नल या फिर कोई ऐसी जो है वो रिएक्शन फोर्स भी होगी जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या बोलते हैं लग रही होगी, और इसी की वजह से जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। मतलब ये कि एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वो जो है वो अपनी एक जो पैथ है उसके अंदर जो मूव कर रहा है, सर्कुलर के अंदर जो मूव कर रहा है, तभी वो ना तो सेंटर की तरफ जो है आता है और ना जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज जो हैं ये बैलेंस होती हैं। तो ये सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो है एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो हमारी ड्रायर्स के अंदर होती है। ये जो मशीनों के अंदर जो है कपड़े सुखाते हैं ड्रायर्स वगैरह, इसके अंदर क्या होता है कि जो गीले कपड़े होते हैं वो डालते हैं और उनको घुमाया जाता है तेज़ी से, और जो उनके वॉल्स होते हैं मशीन के, मतलब अंदर डाला मशीन के कपड़ों को और उसको तेज़ी से घुमाया, अंदर पानी वानी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उनको डाल के घुमाते हैं तेज़ी से, और जो उनकी वॉल्स होती हैं मशीन की उसके अंदर छोटे 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 होल्स होते हैं। उन होल्स के ज़रिए से क्या होता है कि जब हम लोग मशीन ऑन करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो वहाँ पे जनरेट होती है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है लग रही होती है उन कपड़ों के ऊपर, तो कपड़े जो हैं वो जाके दीवारों के साथ चिपक जाते हैं, और जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके अंदर वो उन होल्स के अंदर से जो है वो सक करके, या मतलब उनके ऊपर प्रेशर लग रहा होता है और वो जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, और इसी की तरह इसी तरह जो ये जो हमने पीछे दो एग्जांपल्स पढ़ी थी अब उनको डिस्कस करते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनको डिस्कस करते हैं। जी तो बेसिकली ये जो एग्जांपल्स है दो, एक बकेट वाली है और एक कार वाली है, ये दोनों हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर ली थी और कहा था कि जब सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग पढ़ लेंगे तो इन्हें दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि समझ में आ जाए सही से। तो अभी इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बकेट वाली एग्जांपल है, और इसका हमने ये कहा था कि इसके अंदर से पानी क्यों नहीं नीचे आ रहा, जब तक ये सर्कल के अंदर मूव कर रही होती, चाहे ऊपर जाए, नीचे आए, साइड पर जाए, पानी जो है इसका नीचे नहीं आ रहा होता जो इसके अंदर मौजूद होता है। तो उसकी वजह यही थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि जब हम इसको सर्कल के अंदर घुमा रहे होते हैं तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि इस बकेट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, जो कि बकेट के ऊपर भी लग रही होती है और उसके अंदर मौजूद पानी के अंदर भी लग रही होती है। अब पानी एज अ पार्टिकल उसके अंदर मौजूद होता है, बकेट का हिस्सा नहीं होता, अलग से हमने डाला होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है वो इसकी वॉल्स के साथ जाके चिपक जाता है, और जैसे जैसे हम लोग इसको सर्कल के अंदर मूव करते रहेंगे ये फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको वॉल के साथ जो है चिपका के रखेगी, और जैसे ही हम लोग इसको छोड़ देंगे सर्कल में घुमाना तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। मतलब ये कि सर्कल के अंदर घुमाना हमने छोड़ दिया तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ख़त्म होगी, सेंट्रीपेटल फोर्स भी ख़त्म हो गई, अब जो है वो नीचे आ जाएगा पानी अपने वेट की फोर्स की वजह से। तो ये जो थी इसकी इसके पीछे जो था वो रीज़न था कि क्यों पानी जो है वो नीचे नहीं आ रहा। और ये कार वाली एग्जांपल में क्या था कि जब कोई कार राउंड अबाउट या चौरंगी के गिर्द घूम रही होती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों जो है वो एक जर्क महसूस कर रहे होते हैं या एक फोर्स जो है वो महसूस कर रहे होते हैं, तो ये वो जो फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है बेसिकली, क्योंकि कार के ऊपर भी जब सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक सेंट्रीपेटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम चूँकि कार के अंदर एज अ पार्टिकल मौजूद हैं, उस कार का हिस्सा नहीं है, तो हमारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगेगी और हम अवे फ्रॉम द सेंटर जो है वो मूव करेंगे, और जो बस है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि सर्कल के ऊपर ही मूव कर रही होगी, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ही मूव कर रही होगी सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ऐसे मतलब बैलेंस होगी और सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ही मूव कर रही होगी, जबकि हम जो है वो एज अ पार्टिकल हैं चूँकि उस बस के अंदर,
तो हमारे ऊपर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, हम अवे फ्रॉम द सेंटर जो है जा रहे होंगे, और उससे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि ऊपर से पकड़ लेते हैं या सपोर्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा उस बस के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, मतलब पकड़ने की उस बस को कोशिश करते हैं ताकि उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है बचा जा सके। जी, तो ये था आज का जो लेक्चर जिसके अंदर हमने सेंट्रीपेटल फोर्स को और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में जो है वो हम लोग ग्रेविटेशन वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर के साथ जो है वो सर्कुलर मोशन वाला जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो ख़त्म हो चुका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।